तो ये बनी है पालक की दाल और चावल, मेरा ऑल टाइम फेवरेट फूड। जब भी घर पे होता हूँ तो दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। एंड इट्स काइंड लाइक कि आप कहते हो ना घर का खाना, तो ये प्रॉपर मेरे को यही वाला चाहिए कि मतलब दाल चावल हो या खिचड़ी हो या रोटी सब्जी हो, तो अच्छी लग मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। तो भाई साहब क्या हाल है आप सबके, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, तबीयत एज यूजुअल ख़राब है, कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो व्लॉग भी ऐसी ऐसी करके डाल दिया है, मेरे को याद ही नहीं रहा कि लास्ट का कुछ पार्ट मेरे को कट करना था, तो ऐसे ही फेस रखा हुआ था तो ऐसे ही रखा रहने दिया, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। एंड एज सून एज माई व्लॉग गॉट अपलोडेड, देन आई सॉ द व्लॉग और उसमें देखा कि यार ये चीज़ काटनी रह गई थी, तो इतना एम्बेरसिंग सा लग रहा था कि क्या ही कहूँ कि मतलब एज अ व्लॉगर एज अ एडिटर मतलब ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है कि मतलब कभी मतलब एक होता है बहुत ही मतलब बहुत ही माइनर मिस्टेक और एक होता है बहुत ही मेजर मिस्टेक, ये उनमें से था। कुछ भी मतलब कर लेता, कम से कम ये गलती नहीं करता, पता नहीं कैसा हो गया बट क्या करें। तो चलते हैं देखते हैं यार, अभी तो हो सकता है मेरे को ऑफिस जाना पड़े बट देखता हूँ क्या है, अगर तबीयत ठीक रहती तो जाता हूँ एंड अगर नहीं जा पाता हूँ तो देखते हैं क्या करता हूँ घर पे। अभी तो फ़िलहाल लेटा ही हुआ था तो अभी तो खाना खा रहा हूँ, देखते हैं क्या करना है। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट दोपहर में। बारिश शुरू हो गई यार, अब पता नहीं ऑटो या रिक्शा दिख भी नहीं रहा है, देखता हूँ क्या है आगे। इसमें तो पता नहीं हालत सही होगी या ख़राब होगी, एक तो बारिश है ऊपर से टहल भी रहा हूँ, टहलने से क्या हो रहा है कि पसीना निकल रहा है, जितना पसीना निकले अच्छा है, उल्टा यहाँ पे बारिश हो रही है कि वो ठंड और लग जाएगी फिर, पता नहीं आज भगवान चाहते ही क्या, यही नहीं समझ में आ रहा। चलो भागना पड़ता है, इतनी तेज़ बारिश हो गई है कभी सोचा था इतनी तेज़ बारिश होगी, भागना पड़ रहा है। चलो घर तो आ गए, जैकेट का तो कहा जाए, चलो इतना गीला तो नहीं हुआ, चलो ठीक है बच गए। बच इसलिए गए क्योंकि पहली बात तबीयत ख़राब थी, दूसरा इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे मेरे पॉकेट में, जैसे कि चार्जर एंड ऑफिस के फ़ोन्स थे मेरे पास, तो भाई क्या कह सकते हैं, इतना ज़्यादा मतलब सेफली चलना पड़ता है क्योंकि ये फ़ोन्स वाटरप्रूफ नहीं हैं जो ऑफिस वाले हैं, और क्या पता कुछ ऐसा बड़ा डैमेज ना हो जाए, तो इस चीज़ के लिए मतलब सही रीज़न था। रिक्शा लिया और 5 मिनट में पहुंच गए, बढ़िया काम किया। आवाज़ सुनाई दे रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, रात के 12 बज रहे हैं, सोच रहे हो तो भाई पता नहीं क्या ही हालत होगी सुबह, बट मौसम चलो ठीक हो गया है एंड अब देखो कितना मतलब ठंडा होता है या कितना गर्म होता है, भगवान ही जाने क्या होगा क्योंकि स्प्रिंग सीजन है, तो ऑब्वियसली यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। तो पहली बात पहले तो एक चीज़ मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प बोल देता हूँ, एवरीवन वी शुड से नो टू वॉर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग इन यूक्रेन एंड स्पेशली विद आर इंडियन पीपल आर ऑल्सो फेसिंग ओवर देयर। तो आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हालत है एंड कैसे रशिया मतलब पूरा यूक्रेन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, बट
ग्रैब करना अलग बात है, बट उसमें लोग मर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्ल्ड वॉर 3 एंड इट्स अ न्यू वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग, आई थिंक सो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक बहुत जो कंट्रीज हैं जो पीस में रह रही थी तो पीस में ही रह ज़्यादा अच्छा है। जैसे पहले हुआ अफगानिस्तान का, हुआ अब यूक्रेन का है, अब पता नहीं कहाँ का क्या होगा। मतलब ये सब चीज़ें ना ही हो बेटर है। एंड वी शुड से नो टू वॉर ऑफ फॉर एनी काइंड ऑफ पीपल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ कंट्री, कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड वी शुड मेंटेन अ पीसफुल रिस्पेक्ट। एंड मतलब क्या कहें यार, मतलब सही में बोला समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या, क्योंकि आई एम सीइंग एवरी टाइम आई ओपन इंस्टाग्राम, एवरी टाइम आई सी कि ये सब क्या हो रहा है। एंड यूक्रेन के लोग कैसे अपने आप को बचा के रखे हैं। एंड नाउ द न्यू रूल हैज़ बीन हैपेंड कि यूक्रेन में अबव 18 को, मतलब दे आर बैनिंग ओनली मैन हु आर 18 अबव, क्योंकि दे आर द यूक्रेन प्रेसिडेंट इज थिंकिंग दैट कि उसको एज अ ट्रूप्स की तरह यूज़ करेंगे टू डिफेंड देयर कंट्री। और क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन इज़ नॉट अ बिग कंट्री इन कंपैरिजन टू रशिया, तो उस चीज़ की वजह से उनको रोका गया है कि सो दैट दे ट्राई टू डिफेंड देयर कंट्री एंड लिव पीसफुली। तो बस यार, वैसे तो मैं चाह ही रहा हूँ कि आपको भी पता होगा कि क्या हो रहा है एंड क्या हो सकता है आगे, तो हो सके तो प्लीज़ यू नो प्रे फॉर देम कि उनकी हालत ठीक हो। स्पेशली जो इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं यूक्रेन में पढ़ रहे थे एंड नाउ दे आर कमिंग बैक थ्रू पोलैंड और थ्रू मैनी डिफरेंट कंट्रीज, और बस यही आशा है कि वो लोग सेफली आ जाए। बट स्टिल फीलिंग्स हर्ट फॉर ऑल द यूक्रेनियन पीपल एंड आई नो वॉट दे आर फेसिंग एंड इट्स रियली बैड। तो प्लीज़ लेट्स जस्ट होप कि सब बैक टू नॉर्मल हो जाए एंड वॉर ना हो एंड डिस्ट्रक्शन ना हो। एंड इट्स जस्ट दैट वी ऑल वॉन्ट पीस एंड वी ऑल वॉन्ट दैट नो वन वुड गेट हर्ट, नो वंस फैमिली मेम्बर शुड डाई एंड वी ऑल कैन लिव कैन मेंटेन पीस टुगेदर। सो ऑन दैट नोट आज मैं व्लॉग को इतना ही रखता हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना जो कि इधर है। एंड मेक श्योर दैट यू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पर देख पाओ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। एंड फॉर एनी सजेशन ऑफ वेल विशेज, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन विच इज डाउन बिलो। तो ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। एंड लाइक आई सेड, प्लीज़ ट्राई एंड से दैट नो टू वॉर इन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।